नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर नगर निगम के बाल भवन में आयोजित जल संरक्षण व पौधारोपण हेतु आयोजित कार्यशाला में उपस्थित समाज सेवियों ने कहा, पिछली बार की तरह अब की बार कई हजार पौधों को लगाने का लक्ष्य आपने रखा है, लेकिन असलियत में आपके पास उतने पौधे ही उपलब्ध नहीं हैं। पिछली बार की तरह बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन पिछली साल आपके अधिकारियों ने हमारे सहयोग के नाम पर हम समाज सेवियों का फोन नहीं उठाया, न ही पौधे उपलब्ध कराए, न पानी अर्थात किसी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं किया, जिस पर ग्वालियर कलेक्टर अनुराग चौधरी ने पिछले 10 सालों में लगाए गए पेड़ पौधों का ऑडिट करने का आदेश दिया और कहा, ऑडिट करके पता लगाएं पिछले 10 सालों में कितने पेड़ लगाए गए, कितने पेड़ जिंदा हैं। अगर अधिकारी सहयोग ना करें तो आप मुझे सूचित करें, मैं सीधा एक्शन लूंगा। ग्वालियर से अनुप पांडे की रिपोर्ट। वार्ड 8 के समीप अवंतिका वाटिका पर 86 लाख की लागत से चार शहर के नाके से यादव धर्म कांटे तक एवं 60 लाख की लागत से किशन बाग एवी रोड से 12 गांव तक डामरीकरण रोड माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने स्वीकृत कराई, जिसका उद्घाटन किया गया। ग्वालियर से अनुप पांडे की रिपोर्ट। खनिज माफिया राकेश बंसल की ग्राम रोशनी की गिट्टी खदान में फिर एक और व्यक्ति की गिरने से हुई मौत। खनिज विभाग के अधिकारी सो रहे कुंभकर्ण की नींद। मानव अगर ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। पथरीले पहाड़ पर वृक्ष उगाना बहुत ही असंभव है, लेकिन इसको संभव बनाने में जुट गए हैं मुरैना के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एसके मिश्रा। मुरैना के त्रेतायुगीन भगवान शनि मंदिर के ऐती पर्वत को हरा भरा बनाने के लिए बीते 4 माह से पत्थरों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस कार्य में चुनिंदा समाज सेवी भी सहयोग कर रहे हैं। भीषण गर्मी के समय भी सुबह शाम वृक्षारोपण कर एक नवजात पुत्र की तरह देखभाल का प्रभाव अब दिखाई दे रहा है। इन वृक्षों में कोपले फूट रहे हैं, जो यह आभास दिला रही है कि शनि मंदिर का ऐती पर्वत पीपल, पाखर, बरगद तथा गूलर जामुन के वृक्षों से कुछ ही वर्षों में लहलहा जाएगा। शनि पहाड़ी बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ से शनि महाराज की मूर्ति जो वहाँ गई थी सिंगनापुर में, यहीं से गई थी और बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पे पेड़ लगाने का काम हम सब लोग एडीएम मिश्रा जी और हमारे एक मित्र हैं उनके साथ कर रहे हैं मिलके। इस पहाड़ी पे बिल्कुल पत्थर है चारों तरफ से, मट्टी बिल्कुल भी नहीं है, तो 150 डंफर हमने मिट्टी मंगवाई है चारों तरफ से। उसकी तार फेंसिंग करवाने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में तार फेंसिंग के लिए मंगवाए हैं, पेड़ लगाए हैं, 150-200 पेड़ हमारे लग गए हैं। धीरे धीरे मतलब हम लगे हुए हैं इस काम में और इसको विस्तृत रूप से करके और इस पूरी पहाड़ी को हरा भरा करना ये हमारा उद्देश्य है। मतलब भीषण गर्मी में क्या है कि हम पहले इन पर मतलब जो बोतल चढ़वाते, जैसे आदमी बोतल चढ़ती है उस तरह से पहले पानी की बोतल लगाते थे ऊपर से और पानी एक एक बूंद करके टपकता था, तो हमने वो प्रैक्टिकल करके देखा, वो प्रैक्टिकल थोड़ा सा फेल हो गया। फिर हमने क्या किया कि लोगों से पाइप लाइन पहले बड़े बड़े कनेक्टर वो लिए और उनको लेके फिर उस पर पानी डालना शुरू किया धीरे धीरे, तो वो पानी क्या डलता रहता था और पेड़ उससे सर्वाइव करते चले गए। उसके बाद फिर हमने तीसरी व्यवस्था की पाइपलाइन की, पाइपलाइन नीचे छेद करके उसको कनेक्ट किया टंकी से और उससे फिर पानी डलवाया है। इस तरह धीरे धीरे अब ये हमारा काम गति पकड़ रहा है आगे चल के ठीक ढंग से। पेड़ पिछले फरवरी से हमने लगाना चालू किया है, फरवरी से चल रहा है काम और इसका असर अभी बरसात के बाद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इतने बड़े पेड़ केवल हम इसलिए लगा रहे हैं, सरकार की कोई बात नहीं है, हमारी निजी बात है। उत्तर प्रदेश में भी बड़े पेड़ के सरकार ने वहाँ से आदेश किए कि छोटे पेड़ को हम 5-6 साल में इतना बड़ा करेंगे, इतना लगातार कोई नहीं करता। और करोड़ों छोटे पेड़ लगे, सभी नष्ट हो गए, 1% भी नहीं हुए। बड़ा पेड़ 8 दिन केयर करने पे और बरसात में 2 दिन केयर करने पे वो जड़ पकड़ लेता है और फिर वो लगभग हो जाता है और हो ही गए हैं यहाँ के सारे पेड़। हमने लगभग 35 फुट ऊंचाई के पेड़ लगाए, आज भी 25-30 फुट का बरगद आपके सामने हमने लगाया, आप देख सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे पेड़ आज 20 फुट ऊंचाई के हमने
लगाए हैं और यही इसी तरह हम लगाना चाहते हैं। और जहाँ पे सुरक्षा के उपाय वहाँ छोटे पेड़ भी, किंतु यहाँ ये जो पेड़ हैं ये लगते ही आप देख रहे हैं कि दोनों का अंतर आप देख सकते हैं, उनमें इतनी गति से नहीं बढ़ती जितने ये दीवारों में लगे जहाँ इन्हें कुछ सामान कुछ खाने को नहीं मिलता, यहाँ सब कुछ मिलता है। तो ये बहुत तेजी से जानवरों से हम फेंसिंग करा रहे हैं, हमने 6000 स्क्वायर फीट फेंसिंग तार की मंगा के रखी है, हम इसको मयूर शांति विहार की फेंसिंग कराएंगे तब और सारे ढेर सारे पेड़ लगाएंगे। इसी सत्र में हम इसे पूरा हरा भरा करेंगे, शेष जो सड़क के किनारे पेड़ लगा रहे हैं उनको झांकर लगा के लोकल व्यवस्था से कर रहे हैं और हमें आशा है कि कोई न कोई व्यक्ति भविष्य में ऐसा आएगा जो सबका जिम्मा लेगा, संभालेगा, बढ़ाएगा और ये ग्वालियर तक और मुरैना तक पेड़ों को ले जाएगा। कोई हम किसी से एक नया पैसा नहीं लेना चाहते, किसी से न लिया भी हम नहीं चाहते। और हम तो ये अभी तो स्वयं सेवा से जो हमारे साथी हैं वो यहाँ के लोकल लोग हैं और यहाँ के जो और लोग हैं उनकी सहायता से हमने लगाए, इनमें अभी तक कोई खर्चा नहीं हुआ। ये एक अनूठा प्रयास है जो जिला प्रशासन के द्वारा जो है शनिदेव मंदिर की पहाड़ी पे किया जा रहा है। आप सब विदित होंगे कि मुरैना जिले के लिए बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है शनि मंदिर। यहाँ पे खास करके बहुत ज़्यादा रुझान हमारे पूर्व कमिश्नर महोदय एम के अग्रवाल साहब का था, मंदिर में भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं उनके मार्गदर्शन में और उसके आसपास के एरिया को डेवलप करके सौंदर्यीकरण का भी जो प्रोजेक्ट है वो हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। इसी का इस डेवलपमेंट और सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है एनवायरनमेंट के को प्रोटेक्ट करना भी। और वो पहाड़ी आप देखेंगे पूरा चट्टान चट्टान जैसा है, बहुत ही अभी कोई हरियाली वहाँ पे आपको दिखेगी नहीं, लेकिन वहाँ पे अभी अपन प्रयास कर रहे हैं कि बड़े वृक्ष जो है हम लगा रहे हैं वहाँ पे ताकि इंस्टेंटली बहुत इम्पैक्ट मिले, एक बरसात के बाद जो है वहाँ पे पूरी हरियाली दिखे, हरियाली की चादर हो। और इसमें जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी बारी बारी से जाते हैं, वो स्वयं अपने हाथों से पेड़ लगाते हैं और वहाँ पे जनता की भी सहभागिता है। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।